लै वे गंगू पापिया, लै वे गंगू पापिया, नानका संभाले निहां च शहीद हो गए गोविंद लाल रे, निहां च शहीद हो गए गोविंद लाल रे, लै वे गंगू पापिया, लै वे गंगू पापिया, नानका संभाले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो सिंघनाद टीवी, सिंघनाद टीवी तुहाडी अपनी आवाज़, कौम की आवाज़। अज असी तुहानू लेके आए हैं जो छोटे साहबजादे ते माता गुजर कौर नाल संबंधित, जो वार्ता सारी गंगू ब्राह्मण दे घरे जो होया वो पिंड सहेड़ी दे विच अज लेके आए हैं, जिथे चरण छोह प्राप्त छोटे साहबजादे अते माता गुजर कौर दे ये अस्थान बनया होया, जिहड़ा हुण ये ते हुण नवा बन रहा गुरु घर, जिहड़ा दरबार साहब बन रहा। तो जिहड़ी जगह पर वो बैठे सीगे गंगू ब्राह्मण का घर सी, वो तुहानूं दिखाउंदे आ इत्थे किस तरह जो होया, किस तरह उन्हें मतलब दगा कमाया। तो उस टाइम की जो हुकूमत सी साहबजादियां नूं उसके हवाले किया, वह सारी तुहानूं असीं वार्ता सुणावांगे। फिलहाल तुहानूं दिखाउंदे आ उधर उधरले पासे एक। सो दर्शकों, ये वो पवित्र अस्थान है जिथे माता गुजर कौर के छोटे साहबजादे एक रात रुके सीगे। एक रात आके वो गंगू ब्राह्मण का घर आए, पुरातन घर जिथे एक रात वो ठहरे से आके, तो गंगू ब्राह्मण जिहड़ा वो लैके आया सी इत्थे अपने घर लैके आया सी। जदों उन्होंने सरसा दरिया पार किया तो कमो माशकी के घरों जदों लैके आए, तो पिछे एक गुरद्वारा पैंदा इत्थे ऐमा साहब, वह भी तुहानूं दिखावांगे, जिथे वो बिठा के साहबजादियां नूं उत्थे ते घर चक्कर मारन आया सी कि मैं घर जाके देख के आना, कोई होवे ना माता गुजर कौर नूं उत्थे बिठा के छोटे साहबजादे नाल, ते वह भी तुहानूं दर्शन करवावांगे गुरद्वारा ऐमा साहब दे। ते ये जिहड़ा असी जिस टाइम खड़े हाँ, जिस जगह पर असी इस टाइम खड़े हाँ, ये जगह गंगू ब्राह्मण का घर सी पुरातन घर। तुसीं देख रहे हो सारियां दीवारां जिहड़ियां बनियां होईयां ने, यह दीवार जिहड़ी है पुरातन दीवार है, उस समय की दीवार है जदों गंगू ब्राह्मण दे घरे छोटे साहबजादे आए सी ते माता गुजर कौर आए सी, उस टाइम की जिहड़ी है बचा के रखी हुई वह दीवार। इधर इधरले पासे नूं दिखाओ, आह ये सारा सीन उस तरह का ही है, बड़ा छोटा जिहा घर सी उस टाइम का, कुछ जिहड़े नाल सीगी इमारत वो जिहड़ी है बिल्डिंग नूं बनाउण वास्ते उहनूं जिहड़ा गिरा दिता गया है। इहदे विच भी कुछ हिस्सा जिहड़ा वो मतलब तोड़ भन करके रिपेयर किया गया, पर काफ़ी हिस्सा जिहड़ा वो पुरातन ही है। तो इत्थों जिहड़े महाराज रुके सीगे, अपना छोटे साहबजादे रुके सी माता गुजर कौर दे नाल, वो ये जिहड़ा पलंग है इधर नूं दिखाओ मार के, ये पलंग उस टाइम का पुरातन पलंग है, दस्या जांदा है इत्थों दे जिहड़े प्रबंधक ने कि ये जिहड़ा पुरातन पलंग है जिहदे उत्ते माता गुजर कौर अते छोटे साहबजादे रुके सी। ते इत्थों जिहड़ा फिर गंगू ब्राह्मण ने जाके शिकायत की सी गुरुद्वारा अपने इत्थे मरंडे दे नेड़े कोतवाली है, उत्थे भी गुरुद्वारा साहब बनया होया, भी तुहानूं दर्शन करवावांगे। तो इत्थे एक रात रुके सीगे, ये जिहड़ा इस टाइम गुरुद्वारा साहब इत्थे दरबार साहब बनया, उहदा नां हैगा गुरुद्वारा श्री अटक साहब। इत्थे अटके सी माता गुजर कौर ते छोटे साहबजादे, ये उस अठ पोह इत्थे जिहड़ा लिखिया होया, अठ पोह की रात नूं इत्थे रुके सी, ते नौ पोह की जिहड़ी रात आ उन्होंने गुरुद्वारा कोतवाली साहब जिथे बनया होया उस टाइम जो कोतवाली सी पुलिस स्टेशन दे विच उत्थे ठहरे, ते दस पोह नूं सीधा उन्होंने जिहड़ा कैद करके
श्री फतेहगढ़ साहब जिहड़ा पहुँचा दिता गया सी। सो ये प्रार्थना स्थान है जिथे साहबजादे गंगू ब्राह्मण अपने घर लाया सी। यह गंगू ब्राह्मण का घर है। ये सारिया द्वारा जिहड़ियां पुरातन बनिया हुई सन, श्री महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश सुशोभित ने इत्थे, ते काफ़ी दुनिया जिहड़ी है दर्शन करन आउंदे ने लोग उस पुरातनता दे। ते असीं वी प्रबंधकां नूं बेनती कीती है कि इस दी जिहड़ी पुरातनता उहनूं बचा के रख्या जावे, ते साडियां जिहड़ियां होर संस्थावां ने श्रोमणी कमेटी उहनां नूं वी इहदी पुरातनता वल जिहड़ा ध्यान रखना चाहीदा, ता कि इह चीज़ नूं बचाया जा सके, पुरातनता आउण वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां ने उहनां वास्ते इक याद रहि सके। ते इस तों बाद असीं तुहानूं दिखावांगे गुरद्वारा आइमा साहब, जिथे छोटे साहबजादे ते माता गुजर कौर उन्हां नूं बिठा के आया सी गंगू ब्राह्मण। इत्थे घरों जदों घर जदों आए माता जी साहबजादियां दे नाल, ते गंगू ब्राह्मण ने उस टाइम जिहड़ी है जो असीं कहानियां सुनते हैं कि पहला उन्हें खीर दे विच जहर पा के देण दी कोशिश की, जो उहदे गंगू ब्राह्मण दे घर वाली सी उह नहीं मन्नी। फिर उसने की किया कि जो माता गुजर कौर कोले इक अशरफियां दी थैली सी उहनूं रात नूं चराउण दी कोशिश की, ते बाद विच आपे ही रौला पा दिता कि चोर चोर चोर। जदों माता गुजर कौर नूं इस उहनां नूं नींद नहीं सी आई, उह तां इस तरह जागदे पए सी, उहनां नूं सब पता सी गंगू ब्राह्मण बारे। सो उहनां ने जदों कहा कि गंगू ब्राह्मण कोई चोर चूर नहीं आया, इह तां सब तेरी तूं तां चक्कियां ने अशरफियां, तां उस टाइम उह गुस्से च आ के कहिंदा तुसीं मैनूं चोर कहिंदे हो, ते मैं उह चला गया मरंडे शहर कोतवाली दे विच। उहनां ने जा के उत्थे जिहड़ी आ दस दिता उस टाइम दे जिहड़े उत्थे पुलिस सीगे कि जो गुरु साहब दे छोटे साहबजादे ने उह मेरे घर रुके होए ने, तो उहनां ने जिहड़ा फिर उह इत्थों फड़ के इत्थे जिहड़े रुके सी 8 पोह दी रात नूं, ते 9 पोह दी रात जिहड़ी आ उहनां ने कोतवाली दे विच कट्टी, जो मरंडे शहर दे विच गुरद्वारा कोतवाली साहब बणिया होया। ते उत्थों फिर अगले दिन उहनां नूं अरैसट करके जिहड़ा भेज दिता जांदा। सो इह सारा इतिहास सीगा। गंगू ब्राह्मण अपने नाल इत्थे पिंड सहेड़ी लैके आ गया, जदों पहला नाम इहदा खेड़ी सी, ते हुण इहदा नाम सहेड़ी है। सो सतसंग जी उह इत्थे रात रहा, इत्थे रात रहे साहिबजादे माता गुजर कौर जी, गंगू ब्राह्मण मुरंडी कोतवाली साहब जिते हुण गुरद्वारा साहिब बणिया, कोतवाली थाणा सी, उत्थों लै के पुलिस नूं नाल लैके आ के बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी अते माता गुजर कौर जी नूं 8 पोह नूं इत्थे गिरफ्तार करा के मुरंडे थाने च लै गया। उत्थे रात रहे, 10 पोह नूं फतेहगढ़ साहिब जीदे दे जा के सतगुरां साहिबजादियां नूं ते माता गुजर जी पेश कीता। हाँ जी संगत जी, ये अस्थान है जो छोटे साहबजादे माता गुजर कौर नाल संबंधित गुरद्वारा आइमा साहब, जिस तरह असीं तुहानूं हुणे दस्सिया, यह गुरद्वारा साहब का जो इतिहास है, जदों गंगू ब्राह्मण जिहड़ा उह साहबजादे अते माता गुजर कौर नूं लैके आउंदा है, ते इत्थे बहुत दस्सिया जांदा कि बहुत संघना जंगल सी, ते जंगल दे विच इक साधू रहिंदा सी, उस कोल बिठा के साहबजादियां नूं जिहड़ा गंगू ब्राह्मण सी उह अपने पिंड जायजा लैण चलिया गया कि पिंड जा के मैं देख के आउणा उत्थों दा जिहड़ा की माहौल है। तो उह इह स्थान है जिथे माता गुजर कौर ते छोटे साहबजादे उह इक साधू कोले कुटिया दे विच रुके होए सीगे, असीं तुहानूं दर्शन करवाउने उस जगह दे। ते जदों जिहड़ा उस टाइम जिहड़ा साधू सी उह कुटिया विच नहीं सी, जदों जंगल विचों घूम के साधू अपनी कुटिया विच पहुँचया, तां जदों उत्थे छोटे साहबजादे ते माता जी नूं बैठे देखिया, तां जिहड़ा साधू ने पुछया कि तुसीं कौण हो ते इत्थे की कर रहे हो, ते माता जी ने उस टाइम कहा कि असीं तां इत्थे एवें ही बैठे हाँ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਇਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਇਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਇਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ
रुके थे, कुछ समय ही रुके हैं। इतों फिर रुकने तो बाद जो गंगू ब्राह्मण उन्होंने अपने घर लै गया सी। तो संगत जी, ये इतिहास गुरद्वारा एमा साहब का इतने जो बोर्ड लाया गया प्रबंधकों वालों कमेटी वालों, उदे उत्ते सारा जो इतिहास लिखा हुआ सब तुहानू असीं दिखा भी दिंदे हां। इहनू एक बार पूरा कवर करके तुसीं देख लो, तुहानू मैं एक मिनट दे विच सुना भी दिंदा। संमत 1704 ईस्वी नूं रात दे समय दौरान मुगल फौजां वल्लों आनंदगढ़ दे किले दे उपर अचनचेत हमला कर दिता तां गुरु गोबिंद सिंह जी नूं परिवार समेत आनंदगढ़ दा किला छड्डना पिया। गुरु साहिब चारे साहिबजादे माता गुजर कौर जी अते जुझार सिंह सरसा नदी विच हड़ा आया होण करके मुगल फौजां नाल लोहा लैंदे होए एक दूजे नालों विछड़ गए। कई सिंह मुगल फौजां दा बहादुरी नाल टाकरा करदे होए शहीद हो गए। गुरु साहिब अते वड्डे साहिबजादे अते कुछ सिंह चमकौर साहिब दी धरती वल निकल पए। माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादे जिन्हां नूं गंगू ब्राह्मण अपने नाल कमो मछकी दी झुग्गी तों अपने पिंड सहेड़ी जो उस समय थेड़ी पिंड दे नाम नाल जाणिया जांदा सी वल लै तुरिया। पिंड दे नज़दीक पहुँच गया गंगू ब्राह्मण माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादियां नूं नाल लै के बाहर साधु दी कुटिया विच बिठा के आप पिंड दा जायजा लैण तुर पिया। इस अस्थान ते बहुत घना जंगल सी, साधु इत्थे नाम सिमरन करदा। जदों साधु जंगल विचों वापस कुटिया विच पहुँचिया तां माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादियां नूं दोनों हाथ जोड़ निम्रता सहित बेनती कर पुछण लगा कि आप जी इस समय हनेरी रात घने जंगल विच किस तरह आए। तां उस साधु नूं माता जी दे मूहों सुभावक इह शब्द निकले कि असीं तां भाई एवें ही इत्थे आए हाँ। माता जी दे इन्हां शब्दां नाल ही गुरु घर दा नाम गुरद्वारा एमा साहिब इतिहास विच दर्ज होया। इस तों बाद गंगू रात दे समय पिंड दी स्थिति दा जायजा लै के वापस आ के माता जी साहिबजादा जोरावर सिंह साहिबजादा फतेह सिंह जी नूं अपने नाल पिंड सहेड़ी अपने घर लै गया। इत्थों बाद विच लालच बस हो के गंगू ने माता जी ते साहिबजादियां नूं जिहड़ा ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੌ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲਿਸ਼ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂ।